सागरिका थैंक यू सो मच आप आए हो यहाँ पे आपके दो बच्चे आपसे छीन गए थे आप घर में थे आपको कोई वार्निंग भी नहीं दी गई थी कि कहाँ पे है यू व लेफ्ट वंडरिंग वो कहां पे है एंड एट दैट टाइम यू वर ब्रेस्ट फीडिंग योर यंगर चाइल्ड जब ये फिल्म रिलीज हुई फ्रेमियर जब आपने देखा वन यू सॉ दिस होल थिंग प्लेइंग आउट अगेन ऑन द बिग स्क्रीन वॉट वॉज गोइंग थ्रू योर माइंड एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी थी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने पुराना जो मेरा पास्ट लाइफ है उसमें मैंने चली गई थी क्योंकि मेरा जो जितने सारे इमोशंस है ना जो जो खराब सिचुएशन में मैंने गुजरी हुई थी वो सारी चीज पूरा पुराना यादें मुझे आ, याद आ गया जैसे कि रानी मुखर्जी जब एक आ, कार के पीछे जब राश कर रही थी गिर गई थी तो वही सिचुएशन मेरे मेरे से भी मैंने मैंने भी वही किया था जब बिना कुछ वार्निंग के बाद ही उन्होंने बच्चे मेरे से छीन गई थी तो उन्होंने आ, मतलब जब बच्चे लेके जब कार में तुरंत चली गई थी मैंने उसके पीछे मैंने इतना मतलब बच्चे को लेने के लिए इतना मतलब जोर जोर से चिल्ला रही थी मतलब यू नो दैट मेरा सिचुएशन इतना ही खराब हो गया था कि मैंने मतलब पूरा पागल हो गई थी Absolutely. और वही सी सिचुएशन उन्होंने मतलब मूवी में दिखाया गया है और इंटरेस्टिंगली ये जो hmm. सब लोग आपको डाउट कर रहे थे और ये huh. जो आप कह रहे हो आप पागल हो गए थे इवन आउट ऑफ डिप्रेशन फेयर फ्रस्ट्रेशन आई कैन इमेजिन यू चिल्ड्रन हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम यू वही दैट वाज ओनली यूज्ड अगेंस्ट यू एक्चुअली क्या होता है जो नॉर्मल uh, uh, जो चीज है एक्चुअली uh, एक मैं एक मां हूं मां होने के नाते वो तो नॉर्मल फीलिंग्स है सोच लीजिए कोई नॉर्मल मदर से बच्चे जब किसी का भी एक एनिमल से भी बच्चे ले लेंगे तो वो क्या करते हैं उसको मत मतलब उसके पीछे मतलब बहुत मतलब लोग मतलब वो पागल हो जाते हैं वैसे मेरे भी वही इमोशन था मैं मुझे मुझसे भी जब बच्चे छीन ले गई थी मैंने सोचा था कि इसको मैंने काट डालूंगी मार डालूंगी ऐसे लगा था मुझे तो मैंने यही सोचा था कि मैंने एक ना एक दिन मुझे वापस मैं बच्चे लेके आऊंगी और जितना भी मेरे सामने जितना भी ऑब्लिगेशन आए मैं उसके साथ मतलब मैं मैं लड़के बच्चे को लेके आऊंगी सो योर मदरली इंस्टिंग बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप कोर्ट में थे एंड किसी ने आपको बताया कि शायद यू वोंट सी योर चिल्ड्रन टिल 18 एंड देन यू बिकेम हिस्टेरिकल यू ब्रोक डाउन एंड that the authorities also said that was a proof to show that you're an unfit mother you don't have control over yourself and the kids are in danger first of all un unfit is the one of, one of kind of a uh, word that's just like a controversial you mm. know unfit to ho jayega mai log bolte tum unfit ho kya hai? can we first say as mothers we are all unfit nobody <laughs> is perfect we are <laughs> all messed up at some point of time or yes. The other. yes Okay. तो अनफिट वो बोलेंगे मैं अनफिट हो जाऊंगी और सबसे बड़ी बात है एक चीज आपको बोलती हूँ जो अनफिट मदर होता है तो वो कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री कर लेते हैं वो कहीं कभी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं yeah. कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है कोई बुक लिखते हैं तो सबसे बड़ी बात है मैंने जो बुक लिखा है उसका नाम है द जर्नी ऑफ ए मदर उसके बेसिस पे मूवी मूवी बना है तो वही मैं बोलूंगी मैं अनफिट हूँ उसके वजह से मैं मान लेती हूँ मैं पागल हूँ हो गई मैं अनफिट हूँ तो एक अनफिट मदर ये सब चीज कर लेते हैं पहले ये बात मुझे क्वेश्चन मैं, मैं करती हूँ जो नॉर्वेजियन एम्बेसडर है मैं उसको ये क्वेश्चन बोलती हूँ कि आपने जो फेक एलिगेशन मेरे अगेंस्ट में डाले हो मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ और मैं हस्बैंड को भी यही बोल, बोल रही हूँ वो सबके सामने मुझे बोला है मैं पागल हूँ मैं वही चीज उसको भी क्वेश्चन करती हूँ कि आप बोलिए कि मैं एक अनफिट मदर ये सब कर पाते हैं कि नहीं hmm. मैं पागल हूँ कि नहीं या yeah. ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है बट सम ऑफ द बेसिकली द इशू नाउ यू वर इन कोर्ट जब कोर्ट hmm. में थे आप द अथॉरिटीज दे रेज दीज इशूज कि क्योंकि यहाँ पे नोविजन एम्बेसडर कह रहे कि इट वॉज इन बिकॉज ऑफ हैंड फीडिंग जो हम इंडिया में करते हैं इट वॉज इन बिकॉज यू वर स्लीपिंग विद्स बट इन उन्होंने कहा था कि आप मत, मतलब बच्चों को कर रहे हो, क्योंकि आप, के, बच्चे के साथ आप को स्लीप करते हो बट इट्स नॉट एक्सेज इन सीज दो इन योर केस कल्चरल डिफरेंस तो लोग सोच रहे हैं कल्चरल डिफरेंस है हा कल्चरल डिफरेंस है बट हाँ, एक चीज है कि एक सबसे बड़ा चीज़ मैं आज खुलासा करके बोलना चाहती हूँ ये लोग फेक एम्प्लॉयमेंट बनाता है जो फॉस्टर फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलता है हर बच्चे के लिए और ये फेक एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ये चाइल्ड किडनैपिंग उनका बिजनेस है और ये लोग क्या करते हैं जो फेक एम्प्लॉयमेंट बनाता है उसका मेन वजह यही है कि जितने सारे सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और वो सोचता है कि जितने सारे बच्चे हैं वो मम्मी पापा के पास रहेंगे तो उनके हिसाब से वो पला बड़ा होंगे तो इसीलिए उनको पहले से ही मम्मी मम्मी पापा से अलग कर देते हैं तो उनका जो वोटिंग सिस्टम है मतलब कि पूरा जो यंग जनरेशन है उसको पूरा मतलब खत्म कर देता है कि मम्मी पापा के साथ कोई आ, मतलब आ, कोई रिश्ता नहीं होगा <coughs> और सबसे बड़ी बात है कि okay. पूरा यंग जनरेशन को कब्जा कर लेते हैं और यंग जनरेशन मैक्सिमम ड्रग एडिक्टेड है और वो जो यंग जनरेशन है आप देखेंगे कि पूरा नॉर्वेजियन जो फॉस्टर फैमिली है फॉस्टर केयर है वो पूरा एसआईलम जैसी है एक होम जैसी है बच्चे बहुत अब्यूज होते हैं उधर